शाहजहांपुर में समुदाय विशेष के दो युवकों द्वारा लड़कियों को अगवा करने की खबर के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिंदू दल के नेता अपने समर्थकों के साथ रोजा थाने पहुंचे और विरोध जताया। दूसरी तरफ पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला लोधीपुर इलाके का है, जहां बीती देर शाम लड़कियां घर से शहीद पार्क गई थी, वापस नहीं लौटी तो उन्हें ढूंढने का प्रयास किया। पता चला कि दोनों लड़कियों को मोहल्ले के ही रहने वाले समुदाय विशेष के दो युवक पहला फुसला कर ले गए। खबर लगते ही पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर हिंदू संगठनों ने भी थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया। हरकत में आई पुलिस ने दोनों लड़कियों को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शहीद पार्क के लिए गई थी घूमने के लिए, तो उनके साथ में मेरी लड़की भी गई, पर शाम को 5:30 बजे उनकी दो लड़कियां आ गई ज्वाला प्रसाद की, एक ज्वाला प्रसाद की लड़की और एक मेरी लड़की, ये दो लड़कियां वापस नहीं आई हैं। शाम 5:30 बजे घर आया, फिर क्या हुआ उसके बाद फिर लोग रात भर ढूंढते रहे, फिर 112 को फ़ोन किया तो आए थे, तहरीर ले गए थे, सबके नाम हम लिख ले गए थे, पर कोई उससे कोई, फिर सुबह बुलाया गया हम लोगों को यही चौकी पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे तहरीर दी। अब शाम को उन्होंने FIR लिखाई है, तो उन्होंने कहा है कि FIR साहब को सुबह दे देंगे कॉपी। ये लव जिहाद का मामला है जो पूरा इस्लामीकरण करने के नियत से हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बेटियां, नाबालिग बेटियों को बरगला करके, और ये जो मुस्लिम समाज जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो बरगला करके और उनको इस्लामीकरण करते हैं। उसी क्रम में ये दो मामले हैं। ये दो बेटियां हैं हमारी, जो एक 11 साल की और एक शायद 14 साल की है। ये दोनों बेटियां हैं, दोनों के साथ में ये दोनों मुस्लिम युवक उनको बहुत दिनों से बरगला रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए ही उनको एक उनका प्रयास था, और उसी क्रम में उन्होंने एक इस कृत्य को किया है। रोजा थाना क्षेत्र में एक FIR पंजीकृत कराई गई थी, दो नाबालिग बच्चियों को दो लड़के बहला फुसला कर ले गए थे, और इसमें छेड़छाड़ का भी आरोप है, इसमें उचित धारा में भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो था लड़के गिरफ्तारी भी कर ली, और इसी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।